बच्चों कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है कुछ बालकों और कन्याओं? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड चैप्टर का क्लास 11th। ठीक है, और टॉपिक कौन सा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। और फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो पढ़े थे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एक्सेप्शन हैं। सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि एफ ब्लॉक अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो अभी उस पर ब्रेक मारते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्सेप्शन लेट्स रिवाइज द फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले हम उन फैक्टर्स को रिवाइज करते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फटाफट देखना। पहला है एटॉमिक साइज, फटाफट देखना बच्चों। हाँ, एटॉमिक साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर दूर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ठीक है, तो कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। साइज बड़ा एनर्जी कम, साइज छोटा एनर्जी ज्यादा। ठीक, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्या बोला? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। ठीक है, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो कम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। ठीक है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां तक आ गया, इन फैक्टर्स क्लियर, ये रिवीजन हो रहा है। चौथा है बच्चों पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि कौन से ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। चार प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, sp(d,f), s ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन को s से निकालना होगा, और सबसे कम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन को f से निकालना होगा, क्योंकि f न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया? एग्रीड, तीन फैक्टर क्लियर। चौथा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब अब ये पांच छह कॉन्फ़िगरेशन में लगी है, पांच कॉन्फ़िगरेशन s2 होना चाहिए, ठीक है, p3 होना चाहिए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एग्जैक्टली या फुल्ली फिल्ड, p3 p6 ठीक है, और d5 d10। एफ अभी आपको पढ़ना नहीं है तो एफ पे मारो ब्रेक। तो ये हो गए पांच फैक्टर्स, मेरे ख्याल से दिमाग में आ गए होंगे। अब इन सब कुछ इन्हीं का गेम है, सारा गेम इन्हीं का है, सब गेम इन्हीं का है, ये पांच फैक्टर्स। अब हम आते हैं टेंशन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये यहां पे कुछ टेबल बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। अब हम पहले हम पढ़ेंगे अक्रॉस ए पीरियड, ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट में साइज क्या होता है? छोटा या बड़ा? बड़ा। लेफ्ट का साइज बड़ा, राइट में साइज छोटा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड आने में क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। दूसरा और क्या होगा? एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट में साइज बड़ा होता है, राइट में साइज छोटा होता है, यानी कि एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। लेफ्ट में
इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी, और एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला ट्रेंड समझ में आ गया, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दोनों फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाते हैं, मतलब दोनों फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए लेफ्ट से राइट समय आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, मैं साथ साथ हटाता रहूंगा बेटा। ठीक है, डाउन द लूप जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट साइज छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, ये जनरल बेसिक ट्रेंड है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब अगर हम बोले भैया डाउन द ग्रुप क्या होता है, अब आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप उसको शॉर्ट में रखिए, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज छोटा, ठीक है, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज, साइज बढ़ा, तो देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक है बेटा, तो दोनों चीजें होगी, लेफ्ट से राइट साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बड़ा, न्यूक्लियस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। पर अब आते हैं इस पे, ये जो डेटा हमने लिखा है मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो जाएगा, चलिए देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताइए, आ गया समझ में। अब लेट्स चेक द डेटा, डेटा क्या है जरा मैं देख लेता हूं। देखो यहां पे डेटा को स्टडी करते हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड है, फिर ये थर्ड पीरियड है, इसको मैं अलग कर देता हूं, फिर ये थर्ड पीरियड है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और ये फोर्थ पीरियड है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, अब देखो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या कहा था, लेफ्ट साइड जाएंगे साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ रही है फिर घट रही है। नाउ जो मैं एक्सेप्शन होंगे उनको मैं अलग से पेस्ट करता रहूंगा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ठीक है, लेफ्ट से राइट क्या होते हैं, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, पर कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, कम मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ज्यादा से नहीं, फिर यहां पर यहां से आ गए, फिर तक यहां से आ गए, साइज छोटा होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, पर यहां पर घट रही है, यहां देखो तीसरे पीरियड में आके ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, यहां पे देखो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहां पे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब बताओ इसको देखो, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इन एक्सेप्शंस के बारे में पूछा जाएगा। अब एक ट्रिक, टी आर आई सी के ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन, क्वेश्चंस हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी सॉल्व, सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह है ट्रिक। क्या बोला, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बोलेंगे। क्या तक आया, क्या तक आया, समझ में आया कि आपको आंसर कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर आए, चाहे वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर आए, चाहे वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर आए, तो क्वेश्चन शुड बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको उसकी, उस एलिमेंट की पोजीशन और उनका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, है ना। अगर एटॉमिक नंबर नहीं मालूम तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, है ना। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पीरियोडिक टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, एस ब्लॉक पूरा, पी ब्लॉक पूरा, और कम से कम 3D सीरीज ही याद रख लो,
इतना बहुत है बी इलेवन क्लास में। पहले नजर में आया, नजर में आया, ठीक है यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये ट्रिक लिख ली होगी आपने, क्वेश्चंस ऑफ ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेट्स चेक हाउ, कैसे, ठीक है। अब देखो क्या, पहले हम बोलते हैं लेफ्ट साइड आते साइड छोटा होता है, आप चेक दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2, अब कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे देखो। अब अगर मुझे बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, तो Be पॉजिटिव बनाना है, और Be पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर मुझे बोरॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है 1s2 2s2 2p1, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो B पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डाल दूं, अगर मुझे यहां पे कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, Ie1 लगेगी, यहां पे क्या लगेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अगर मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां पे Ie2 लगेगी, यहां पे भी Ie2 लगेगी, और ये क्या बन जाएगा, Be2 पॉजिटिव बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 हो जाएगा, ये Be2 पॉजिटिव बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अभी हम सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, Ie1, पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, Ie1 ऑफ बेरिलियम, यहां पे सिर्फ Ie1 की वैल्यू है, इज ग्रेटर देन Ie1 ऑफ बोरॉन, बट Ie2 ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन, Ie2 ऑफ बेरिलियम इज लेस देन Ie2 ऑफ बोरॉन। पेट क्वेश्चन है, स्कूल में आना ही आना है। देखो मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, ठीक है, तभी आप उस कंसेप्चुअल का आंसर लिख पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, 2s, ये क्या है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, चेक एस, चेक दिस आउट, ये क्या है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, और ये क्या है, इसमें कहां से बाहर निकालना है, 2p से। तो दो बात है, आयनाइजेशन एनर्जी पहली बेरिलियम की ज्यादा होगी, ठीक है। अब इनको हटा दो बेटा, ये देखो ये बार बार मैं क्या बोलूंगा, बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बोरॉन से, क्योंकि उसमें स्टेबल कॉन्फिगरेशन है s2, और ये लेस स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ये पहला फैक्टर हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, s से, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, p से, तो ज्यादा एनर्जी कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में लगेगी, s से लगेगी ना, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है उससे, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो Ie1 बोरॉन की कम होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी, क्योंकि बेरिलियम में पहला इलेक्ट्रॉन 2s से निकाल रहे हैं, बोरॉन में पहला इलेक्ट्रॉन 2p से निकाल रहे हैं, 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। मोर ओवर जो आप बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो स्टेबल s2 कॉन्फिगरेशन से निकाल रहे हो, तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन से निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मेरे ख्याल से क्लियर होगी, आई थिंक आई मेड दिस क्लियर, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, अब सेकंड में देखो, जस्ट चेक दिस आउट, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, बेरिलियम में 2s से निकालना है, बोरॉन में कहां से निकालना है, 2s से निकालना है, दोनों में 2s से निकालना है, पर ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है, 2s2 स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है ना, दोनों में इस बार बराबर बराबर डिस्टेंस से निकालना है, पर यहां पे क्या है, 2s है, और 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर है, और पेयर मतलब फुली फिल्ड है, ज्यादा एनर्जी लगाएगा तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बी पॉजिटिव की ज्यादा हो, मतलब बोरॉन की ज्यादा होगी बेरिलियम से। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन का बन गया। क्वेश्चन में क्या आएगा, Ie1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन Ie1 ऑफ बोरॉन, बट Ie2 ऑफ बोरॉन
इज ग्रेटर देन आई टू बेरिलियम, तो आप बोलोगे अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है ना बच्चे। अब तो आ गया समझ। शुड आई मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट? हाँ है ना, चलिए हटाओ उसको। यहाँ पे मैंने सिर्फ आई वन की वैल्यू दी है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। साथ साथ नोट करते रहिएगा ठीक है बच्चों। मैंने जानबूझ के देखो ये फैक्टर्स नहीं हटाए ताकि आपके दिमाग में है ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फास्फोरस सल्फर पे ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष 1s2 थोड़ा लेफ्ट में लिखते हैं ठीक है, चलो यहीं पे लिखते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 एग्जैक्टली स्टेबल, एग्जैक्टली हाफ है ठीक है। ऑक्सीजन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 ठीक है। यहां पे लगी I1 ठीक है, तो क्या बनेगा एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2। यहां पे जब I1 लगेगी तो क्या बनेगा ओ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीशन 1s2 2s2 2p3। अब जब यहां पे लगेगी I2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और यहां पे भी लगेगी I2 तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा N2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीशन 1s2 2s2 2p1 और यहां पे O2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीशन 1s2 2s2 2p2। याद रखा है? अब यहां देखिए, अब यहां देखिए फटाफट दिखाई दे रहा है Re1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन Re1 ऑफ ऑक्सीजन बट Re2 ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन Re2 ऑफ ऑक्सीजन। 2 की वैल्यू नहीं है पर मैं रीजनिंग के साथ बताऊंगा ना आपको बेटा, समझ आया? हाँ यार देख लो चेक कर लो ठीक। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया ये नाइट्रोजन का जो P3 कंफिग्रेशन है ये लास्ट वाला फैक्टर रहेगा। P3 कंफिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल होता है और उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए नाइट्रोजन लेफ्ट में होने के बावजूद भी ठीक है लेफ्ट में है ना, लेफ्ट साइड छोटा होता है एनर्जी बढ़ती है पर यहां पे घट रही है। क्यों बढ़ रही है? स्टेबल कंफिग्रेशन है ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन P3 से निकालना है नाइट्रोजन के केस में और P3 से निकालना है क्योंकि वो स्टेबल कंफिग्रेशन है इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ठीक है। पर सेकंड के केस में तो ये चीज क्लियर होगी पर जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आते हैं अब ये वाला स्टेबल हो गया है ना बेटा। अब ऑक्सीजन का जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बाहर निकालोगे तो P3 से निकालोगे और नाइट्रोजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो P2 से निकालोगे। अब P3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, P2 जो है वो कम स्टेबल है इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तो Re2 ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी Re2 ऑफ नाइट्रोजन से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा है ना बेटा, है ना? ज्यादा नहीं आएंगे आपके में 11th क्लास में कम है ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई ठीक है। अब वो बोलेगा ना डाउन उसको डाउन पक्का देख लीजिए डाउन दो जाएंगे साइज बड़ा एनर्जी कम ये तो पता है ना। अब आप जाते हैं तो ये दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए ना, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, अब उसकी हमें जरूरत नहीं है ठीक है। अब वो बोलेगा तीसरा क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज ड्यू टू, सबसे स्टेबल कंफिग्रेशन होता है P6 नोबल गैस कंफिग्रेशन ड्यू टू एक्सट्रीमली स्टेबल NS2 NP6 दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंफिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट NS2 NP6 कंफिग्रेशन ये पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल कंफिग्रेशन है। क्या बोला? पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल कंफिग्रेशन है। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तो आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, IE1
of zinc is greater than IE1 of copper, but IE2 of zinc is less than IE2 of copper. बहुत सारे बेटा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आने थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक है क्वेश्चन. चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इजी कर लेते हैं. अब जिंक, आपको मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है आर्गन 18, 3d 10, 4s 2 स्टेबल है, ठीक है. कॉपर 29, आर्गन 18, 18, 3d 10, 4s 1, ठीक है. तो अब अगर आप यहां पे IE1 लगाओगे तो क्या बनेगा, Zn पॉजिटिव बनेगा, आर्गन 18, 3d 10, 4s 1, ठीक है. और यहां पे अगर IE1 लगाओगे तो Cu पॉजिटिव बनेगा, आर्गन 18, 3d 10, 4s 0, ठीक है. अब देखो IE1 इसको क्या बोलूंगा, ये क्या है, स्टेबल. भाई जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें S2 कॉन्फिगरेशन है ना, S2 कॉन्फिगरेशन है. ऑल्दो जिंक का साइज बड़ा होता है, अब साइज में ही आ रहा है, कभी साइज को मत देखिए, साइज इज वन ऑफ द फैक्टर, पर साइज आपकी हमेशा आंसर, जब आप आंसर लिखने जाओगे अगर साइज देख के आंसर लिखोगे तो हमेशा गलत होगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों. ऑलवेज गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बेस्ट आंसर, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है. गेटिंग मी, समझ में आ रही मेरी बातें. तो अब हम बोलेंगे भाई जिंक में 4s2 है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को s2 को हमने स्टेबल कॉन्फिगरेशन बोला है, इसलिए अगर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए IE1 जिंक की ज्यादा होगी कॉपर से, ठीक है. पर अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है कॉपर में तो कहां से निकालना है, अब ये वाला स्टेबल होगा, स्टेबल कौन सा है, D10 कॉन्फिगरेशन है ना. और यहां पे क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिंक से बाहर, जिंक में दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालोगे, 4s से, और कॉपर में कहां से बाहर निकालोगे, 3d से. ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3d ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा एनर्जी कौन खाएगा, कॉपर खाएगा, तो IE2 कॉपर की ज्यादा होगी, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से. बोलो हाँ या ना, ठीक है. मेरे ख्याल से आदेश भी समझ में आ गया होगा, आया है या नहीं आया है, पक्का. सिर्फ एक्सेप्शन केसेस बताऊंगा जितने 11th में आने हैं बस, अभी मैं नीट वीट पे नहीं जा रहा, ठीक है. अभी सिर्फ जितने 11th में आने हैं आपके उतने आपको कवर करने हैं, ठीक है. याद समझ में आया, पक्का. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, चलिए गुड. तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा. देखो यहां तक आपके क्वेश्चन बनेंगे, अब वो कुछ क्वेश्चंस देता है. अच्छा अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो आप बोलोगे सबसे छोटी नोबल गैस. ठीक है, और अगर मैं बोलूं लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, किसकी होगी, वो होगी सीजियम की. फ्रेंचियम रेडियोएक्टिव होता है बेटा, उसमें 4F बहुत सारा लफड़ा भी, तो बस याद रखो सीजियम की, ठीक है. हाईएस्ट किसकी और लोएस्ट किसकी, सीजियम की. पता दिमाग समझ में आ गई, ठीक. अब एल्यूमिनियम और गैलियम, IE ऑफ एल्यूमिनियम is nearly comparable IE of gallium. अब वो comparable होती है बेटा वैसे तो, पर वो बोल सकते ज्यादा भी क्यों है, आप इसको बोल सकते हो. देखो ध्यान से सुनो, आप greater than और equal to का साइन लगा सकते हो. वो क्वेश्चन पूछ सकता है comparable है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है गैलियम भी ज्यादा है, तो आप बोलोगे भैया ठीक है. एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, नियॉन 10 3s2 3p1. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकाल रहे हैं, 3p से बाहर निकाल रहे हैं. गैलियम के पास क्या 31 है, आर्गन 18, 3d 10, 4s2
4p1 यहाँ पे 31 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d आते हैं और अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस और 4p के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा या कंपेरेबल पर डाउन द रूट जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ना, है ना। पर क्या है, या तो बराबर है या कम ज्यादा है, तो क्यों है इसका कारण यह है, गैलियम में आते हैं, गैलियम एल्यूमिनियम से गैलियम आते हैं, गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d लाते हैं और 3d जब कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस और 4p के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, 4p के इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल बनाते हैं और इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए एनर्जी ज्यादा। तो ये थे बेटा एक्सेप्शंस, मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। मेरे ख्याल से 11th क्लास के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं, पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।